हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपने आधार कार्ड के फोटो को चेंज करना चाहते हैं? आपने आधार कार्ड बनवाया हुआ है और बने हुए आपके आधार कार्ड को काफी ज्यादा दिन हो गए हैं। आपका जो फोटो है पहले का है और आप चाहते हैं कि इस समय अपना नया वाला प्रेजेंट फोटो अपडेट करवाना अपने आधार कार्ड में, तो किस तरीके से आप लोग अपने आधार कार्ड में अपना फोटो अपडेट करवा सकते हैं या फिर अपने आधार कार्ड के फोटो को किस तरीके से आप लोग चेंज करवा सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप लोग अपने आधार कार्ड के फोटो को बहुत ही आसानी से मात्र कुछ ही टाइम में अपडेट कर पाएंगे। कैसे चेंज करना है सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है, फिर इसमें सर्च करना है माई आधार। सबसे ऊपर वेबसाइट आ गई है, इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। वेबसाइट पूरी तरीके से ओपन हो गई है, स्क्रॉल करके आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे देखिए बुक एंड अपॉइंटमेंट्स का यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर कर देना है क्लिक। फिर यहाँ पे देखिए आपको आना है थोड़ा सा नीचे और यहाँ पे आपको सेलेक्ट पे क्लिक करके आपको अपने लोकेशन को सेलेक्ट कर लेना है। जो भी लोकेशन आपका है उस लोकेशन को आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट पे कर देना है क्लिक। फिर यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आधार अपडेट, नीचे दो नंबर पे न्यू आधार और मैनेज अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है। सबसे ऊपर टिक रहने देना है और किसी को सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है? आधार अपडेट सेलेक्ट रहेगा, इसको ही सेलेक्ट रहने देना है। और नीचे यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा कोड इसके अंदर डाल के जनरेट ओटीपी पे कर देना है क्लिक। फिर आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को सिंपल इसके अंदर डाल देना है। फिर यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे कर देना है क्लिक। फिर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, आधार कार्ड पे जो भी नाम है नाम डालना है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन वेरिफिकेशन टाइप को आपको सेलेक्ट नहीं करना है, बिल्कुल यही नो यहाँ पे डॉक्यूमेंट ही सेलेक्ट रहने देना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी स्टेट पड़ेगा सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने सिटी को सेलेक्ट कर लेना है, जो भी सिटी पड़ेगा सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए आधार सेवा केंद्र पे आपके नज़दीक में जो भी सेंटर होगा नज़र आ जाएगा, सिंपल आपको उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों देखिए जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स खुल करके आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए सबसे नीचे बायोमेट्रिक वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? देखिए इसको हमने जैसे ही सेलेक्ट किया यहाँ पे देखिए ₹100 चार्ज आपसे लिया जाएगा, ठीक है? आप जैसे ही आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको ₹100 या तो आप लोग ऑनलाइन पेमेंट यहीं से कर दीजिए या फिर आपको आधार सेंटर पे जाकर ₹100 का पेमेंट करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर आप लोग बायोमेट्रिक सेलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर केवल आपको फ़ोटो चेंज करवाना है तो भी आपको यही सेलेक्ट करना है, या फिर आप लोग अपने फिंगरप्रिंट, आइरिस और फ़ोटो तीनों भी अपडेट करवा सकते हैं, ठीक है? और भी कुछ अपडेट करवाना चाहें तो सेलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर केवल हमें फ़ोटो अपडेट करवाना है। तो चलिए हम यहाँ पर बायोमेट्रिक को सेलेक्ट कर लिए हैं, अब यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर कैलेंडर खुल करके आ गया, जिस भी डेट में हमको अपने फ़ोटो को अपडेट करवाना है उस डेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। हमें फ़िलहाल आज ही अब करवाना है, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे आज 16 तारीख है तो 16 तारीख सेलेक्ट है। अभी टाइम 2:09 हो रहा है तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2:15 यानी तुरंत हमें टाइम मिल रहा है, तुरंत अगर हम चाहें तो तुरंत मात्र 5 मिनट में जाके अपडेट करवा सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमारे पास टाइम है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले वाला यहाँ 1:55 से लेकर के 2:15 वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है, तारीख, डेट और अपॉइंटमेंट का टाइम, ठीक है? और आधार सेवा केंद्र का एड्रेस, ठीक है? अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे फिर यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स दिखाया जाएगा, आप लोगों को क्या करना है, आप
सिंपल यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली बुक हो जाएगा और आप लोग जैसे ही आधार सेवा केंद्र पे जाएंगे तुरंत आपका हाथों हाथ फोटो अपडेट कर दिया जाएगा। बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं है, आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए।